नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार अपने लक्ष्मीनारायण ईश देव को नमस्कार करते हुए, अपने गुरुओं को नमस्कार करते हुए और शुक्रदेव को नमस्कार करते हुए शुक्र के बारे में ही बता रहा हूँ। तो शुक्र ग्रह के बारे में आपको सभी को बताऊँगा। शुक्र ग्रह यानी कि मृत संजीवनी विद्या के मालिक स्वयं शुक्र, शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य। कोई भी इंसान जो मर जाता था उनको बाद में नया जीवन देना, ये शुक्र का ही देन है और ये विद्या इन्हीं के पास थी। और इसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि मन है तो ये करना है, मन है तो वो करना है, और बुध यानी कि बुध एक बिजनेसमैन का कारक है, मतलब हर चीज़ कैलकुलेट करके ये इसमें हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। बुध ग्रह उसको दर्शाता है बिजनेसमैन की तरह। लेकिन शुक्र के पास कभी कैलकुलेटर नहीं है। ओरिजिनल में जो शुक्र है वो अपने पास कैलकुलेटर कभी नहीं रखता। शुक्र के पास केवल शौक है, शौक। शुक्र ये गाड़ी पसंद आ गई तो मतलब कि शौक का कहते कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मूल्य होता भी है, मतलब शौक का कोई मूल्य नहीं है। शुक्र जो चीज़ पसंद आ गई उसे किसी कीमत देने को तैयार हो जाएगा और वो ले लेगा। शुक्र उच्च वाला व्यक्ति कभी भी कैलकुलेटर यूज़ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी के सारे शौक पूरे करने हैं। वो रईस है, असल में वो रईस आदमी होता है मन से भी, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए वो परवाह नहीं करेगा, जितने की मर्जी आए ले लो। सपोज जैसे कोई बच्चा या कोई आम इंसान सपोज करो कि मार्केट जाता है, तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि चलते चलते गाड़ियों के ब्रेक लगा देता है अपने आप। जैसे कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई मालकिन जा रही है उसके साथ, ड्राइवर कोई अच्छी सी जो उसने देख ली, फटाफट कपड़ा देख लिया मार्केट में बहुत सुंदर, कोई बुटीक पे कोई बढ़िया सूट टंगा हुआ है या कोई लहंगा टंगा हुआ है, उसने कहना ड्राइवर गाड़ी रोको दो मिनट के लिए, गाड़ी पीछे करो, तो जिस पर तो वो उतरेगी। स्पेशल शुक्र यही है, अट्रैक्शन का कारक है। जो भी चीज़ पसंद आ गई उस पर ये ध्यान आकर्षण कर देगा। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं घूमने, अचानक आपको कोई बहुत बड़ा होटल देखने को मिला, तो आपका दिल करेगा यार ये होटल मैं ही लाना, जो मर्जी है, यानी कीमत पूछ के आ। कोई मोटल्स है, रेस्टोरेंट है, ऐसे ही, क्योंकि शुक्र बड़ी बड़ी चीज़ों पर दिल आना ही शुक्र की चीज़ है। असल में किसी चीज़ पर दिल आना ही शुक्र है, क्योंकि वाव वाव ग्रह का कारक शुक्र ही है। वाव जब मुंह से निकलता ना वाव वाव, तो वाव ही शुक्र है। सपोज करो हम जब अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सुंदर लड़की बिल्कुल क्लोज से निकलती है और आप फटाफट यही कहते वाव मम्मी काश मेरे ना शादी करवाना, मेरे यही वो मैं वो आपकी मम्मी कही काश कि ये मेरी बहू बन जाए, उनके मुंह से भी निकलेगा। और जो हम भी यही कहेंगे कि आम इंसान भी यही कहेगा खूबसूरत लेडीज़ को देखे ये काश ये मेरी वाइफ बन जाए, मतलब वाव जो क्रिएटिव करता है ना वो शुक्र ही है। सडन ही अगर आपके जेब में कम भी पैसे हैं तो आपकी मतलब कि ये वो ग्रह है जो आपकी मतलब कि सोच को ही बदल के रख देता है, सोच बदल देता है। ये जो आदमी केवल कार पे घूम रहा था, अचानक ही मर्सिडीज देखी, तो उसका ध्यान मर्सिडीज देखते ही यार एक बार वो सोचेगा जरूर यार मर्सिडीज लानी है, वो देख ख्याल सोच बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, सोच उसकी हाईफाई हो जाएगी, सोच एक मिनट के लिए चाहे उसने पैसे खर्चने हैं या नहीं है। शुक्र की इतनी अट्रैक्शन है। जिस प्रकार सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म है, इस प्रकार शुक्र एक हॉट ग्रह भी है। शुक्र में हॉट ग्रह है और शुक्र एक सेक्सिस्ट ग्रह भी है, यानी कि शुक्र में सेक्सिस्टपन भी लगता है, मतलब हॉट एंड सेक्सिस्ट, यानी कि दोनों वर्ड इसी के हैं। और शुक्र लगन की बात कर रहा हूँ मैं, लगन में शुक्र यानी कि काग रेखा और मत्स्य रेखा की रंग बिरंगी माया, यानी कि शुक्र लगन वाले को कोई भी कलर्स पहन सकता है, उसको कोई कलर्स ऐसा नहीं है जो मना किया गया हो लाल किताब में, जो मर्जी कलर्स पहने उसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये सूर्य और मंगल के घर में बैठा हुआ शुक्र एक क्वीन है और क्वीन को हर चीज़ चाहिए, क्योंकि राजा है। लगन में बैठा हुआ शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उसमें, और शुक्र एक क्वीन है, वो अपनी वाइफ को जितनी फैसिलिटीज़ देगा शुक्र उसको और भी अच्छा कर देगा। लगन में शुक्र आता है तो सजने संवरने का शौक अपने आप ही, अगर ये उच्च का होगा तो सजने संवरने का शौक अपने आप ही पैदा होगा, और फेशियल्स वगैरह
आँखें, घुंघराले बाल, ये अट्रैक्शन पैदा करता है। कपड़े ब्रांड्स, कपड़े जो डालेगा, कई बार तो वो ऐसे कपड़े डालकर सो जाता है, वो उतारता ही नहीं है। कपड़े जो पार्टी से आए वो उतारने नहीं, ऐसे ही सो जाता है वो कई बार, लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो। क्योंकि शुक्र यहाँ पे हॉट, इट्स हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट है यहाँ पे शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। फैशन डिज़ाइनर, मॉडलिंग, मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लग्न का शुक्र और भी यहाँ पे वहाँ पे फास्ट हो जाता है यहाँ पे। बाकी काले रंग की गाय के सिवा शुक्र लग्न के बारे में बहुत अच्छा उपाय है यहाँ पे। और चरी का दान और सतनाया दान बिल्कुल बहुत ही अच्छा कल्याणकारी है यहाँ पे, शुक्र लग्न की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मतलब ये बहुत बेस्ट उपाय हैं शुक्र लग्न में खासकर। सेकंड हाउस के शुक्र के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड हाउस यानी कि सेविंग का है और शुक्र यहाँ पे आंखें बहुत सुंदर होंगी। शुक्र दो में मतलब स्वीटनेस देता है, वॉइस में स्वीटनेस देगा शुक्र। शुक्र दो वालों को अपने बच्चों को, फैमिली को एंटरटेनमेंट करवाते रहना चाहिए। सेकंड हाउस एंटरटेनमेंट का भी है तो ये, क्योंकि शुक्र जो सेकंड हाउस है यानी कि वीनस बैठा हुआ है और ये मतलब आपको लाइफ में धन संबंधी प्रॉब्लम को दूर करता है अगर ये निक चले तो, क्योंकि ये 60 ईयर्स तक पैसा देता है। जब आप शुरू करेंगे तो 60 ईयर तक आप पैसा कमाएंगे क्योंकि शुक्र दूसरे घर में होने से शनि जो नौ का फल मिलता है नौवें घर का। शुक्र दो वाला जब शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अपने बारे में पता होगा कि मैं किस चीज़ को खाऊं, और गर्म पानी पीने का शौक़ पड़ेगा या ग्रीन टी पीने का शौक़ पड़ेगा। फैट्स वो होने नहीं देगा, अगर शुक्र दो में फैट्स वाइफ या हस्बैंड को आ जाएं फटाफट वो केयरिंग शुरू हो जाएगी, नहीं नहीं मैं पतली होना है, मैंने पतली होना है, मतलब अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता तो होते हैं ये लोग, ये केयरिंग पर्सन होते हैं। हाउ कैन स्मेल इट, हाउ कैन वेयर इट, मतलब इनके पहरावा, इनका खाना पीना, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन होते हैं ये, फैमिली के लिए भी, खुद भी और लोगों के लिए भी अवेयरनेस करवाते हैं ये लोग। क्योंकि शुक्र ग्रह जो लव रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस का कारक है, क्योंकि शुक्र को खुशियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, पार्टीज बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उच्च शुक्र की निशानी है। म्यूज़िक, डांस, क्लॉथ्स और खुशियाँ, डांस पार्टी, मैरिज, ये सब कुछ शुक्र ही है जो हमें खुशियाँ देता है। क्योंकि जब भी किसी की मैरिज आती है, मैरिज तो उस आदमी की होती है या लेडीज़ की होती है, लेकिन जिन जिन को कार्ड जाता है और सभी अपनी फैमिली के लिए अच्छा दिखने के लिए खर्च करते हैं कि चाहे उसका बजट कैसा भी हो वो कुछ ना कुछ खरीदेगा ज़रूर, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वाइफ खरीदेगी, उसकी उसके हस्बैंड खरीदेंगे, यानी कि शुक्र इतना मतलब कि उसका इतना तेज प्रभाव है, वो शॉपिंग अपने आप करवाएगा, सारी चीज़ें वही शॉपिंग करवाएगा, मतलब कि लिपस्टिक्स लेके सैंडल तक, मतलब आप शूज़ लेने जाएंगे, जब भी किसी की मैरिज आ जाएगी, बढ़िया जगह जाना है, अपने आप ये शुक्र शॉपिंग करवाता रहेगा उस मैरिज तक पहुंचने के लिए, आपको ब्यूटी पार्लर तक लेके जाएगा, उच्च शुक्र की निशानी, देखिए कितना अच्छा ग्रह है ये। बाकी सेकंड हाउस शुक्र के लिए आपको एक तो जब जिनके फॉर्म हाउस हैं उनको फॉर्म हाउस में गाय जू रखनी चाहिए, काले रंग की गाय जू रखें इस बछड़े से वाली। और अगर किसी के फॉर्म हाउस नहीं है तो कच्ची जगह घर में बनाना बहुत ही अच्छा है। और शुक्र दो वाले को वैसे भी जो टीचर्स होती हैं उनको भी मिठाई खिलानी चाहिए और गाय को आलू खिलाने चाहिए हल्दी से पीले करके। और गाय का खासकर गाय का देसी घी घर में इस्तेमाल करते रहें। एक और शुक्र उच्च की निशानी होती है जब भी महिलाएं, खासकर लेडीज जब भी तैयार होती हैं, जब अब उनको लगे ना कि आईने में जब वो देखती हैं अपने आप को, अगर उनको लगे देखते ही आपकी बार बार स्माइल आई जाए बार बार, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा तैयार हुई हैं। और उच्च शुक्र वाला बार बार ये कभी नहीं पूछेगा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, देखो मैंने सही जच रही हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, ये पक्की निशानी है। जो उच्च के शुक्र वाले होते हैं उनको खुद ही पता लग जाता है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, और बस वो अपने हस्बैंड तक से ही पूछते हैं, ये बच्चों से बाहर से पूछते ही नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, ये भी एक निशानी होती है शुक्र की। शुक्र का लविंग नेचर को दिखाता है, ये एक कलाकार है जो समय समय पर अपनी, जैसे एक कलाकार को अलग अलग रोल मिलते हैं, शुक्र भी एक कलाकार है, तो वैसे लविंग नेचर का ग्रह है ये शुक्र, रोमांस, रोमांटिक, हॉट एंड सेक्सीस्ट शुक्र, यानी कि सारी चीज़ें आपको अपनी वाइफ से मिलेंगी शुक्र। और फैन फॉलोइंग भी देगा ये, अगर आपको बहुत उच्च को ऊंचाइयों तक ले गया ये आपको फैन फॉलोइंग बना देगा, आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा होंगे,
आपने आपकी मैगजीन पे वो मतलब कि जो जो आपने लिखा है अपने बारे में इंटरव्यू में, लोग उसको फॉलो करेंगे, आपके पीछे चलेंगे। किशोर जी ताड़ी ब्लैसिंग कम आई हैं सारे भावों, आपकी जमीन ने दुआएं दी, ब्लैसिंग दी हैं। और वैसे शुक्र लगन जी है मेरा, शुक्र लगन से मैं चला दूँ। फिर एक धारणा होती है कि शुक्र को सफ़ेद तारा कहा गया है, लेकिन एक्चुअली शुक्र का जो रंग है वो क्रीम कलर है, क्योंकि शुक्र गालों का कारक है। जो बड़ी बड़ी लेडीज़ जो होती हैं गालों को रिंकल्स रिमूव करने के लिए, जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओले हैं, एज मारिकल्स हैं, जो भी रिंकल्स रिमूव करने के लिए उन्होंने क्रीम कलर को ही चुना है, यानी कि शुक्र के कलर को ही चुना है गालों में रिंकल्स रिमूव करने के लिए। चिक्स वही चिक्स गाल जो भी हैं वहाँ पे रिंकल्स रिमूव कर लिए, उन्होंने क्रीम कलर को ही चुना है, क्योंकि क्रीम कलर शुक्र का है एक्चुअली। क्योंकि ये कुछ लोग में धारणा होती है कि वो सफ़ेद को शुक्र मान लेते हैं, वैसे क्योंकि शुक्र चमक का भी कारक है तो क्रीम कलर में शुक्र का वास है, क्रीम कलर में।